दिवाली की रात। कहानी है महाराष्ट्र के कोंकण विभाग की। कोंकण को लोग प्यार से धरती का स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि समंदर, घने जंगल और खूबसूरत वादियों का अनोखा संगम है कोंकण। कोंकण मुंबई शहर से काफी करीब 200-250 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है। रमण अपनी पत्नी श्वेता और 7 साल के बेटे मिहिर के साथ मुंबई में जॉब करता था। उसकी पत्नी भी आईटी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर थी। रमन का जन्मस्थान कोंकण था। सावंतवाड़ी नामक छोटे से गांव में उसका एक खूबसूरत सा घर था, लेकिन वो घर अब खाली पड़ा था क्योंकि उसके माता पिता कई सालों पहले ही गुजर चुके थे और उसके कोई भाई बहन भी नहीं थे। दिवाली की बात है, सबकी दिवाली की छुट्टियां शुरू हुई थी। एक दिन श्वेता रमन से बोली, इस दिवाली में हम सावंतवाड़ी जाएंगे, वहाँ हमारा इतना बढ़िया घर है, पता नहीं किस हालत में होगा, हम आते जाते रहेंगे तो घर भी मेंटेन रहेगा। रमन मान गया और दूसरे दिन सब लोग कार में बैठकर सावंतवाड़ी के लिए निकले। सफर का मजा लूटते लूटते सावंतवाड़ी कब पहुंचे पता ही नहीं चला। जब उन्होंने अपना घर देखा तो वो देखते ही रह गए। घर काफी सुनसान और अकेला खड़ा था। घर के चारों ओर लंबी लंबी घास और झाड़ियां बढ़ चुकी थीं। पापा, ये तो हॉन्टेड हाउस है। बेटा, जब मैं छोटा था तब आसपास बहुत सारे घर थे, शायद हमारे पड़ोसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हों। कोई बात नहीं, हम इसे फिर से नया करेंगे। रमन, मजदूरों का बंदोबस्त करो। रमन ने एक गांव वाले की मदद से कुछ मजदूर बुला लिए, लेकिन मजदूर काफी डरे हुए थे। कुछ लोग अंदर की सफाई करो, कुछ लोग बाहर की घास साफ करो। जैसे ही एक मजदूर ने घर का मेन दरवाजा खोला, उसके सामने एक भयानक पिशाच दरवाजे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। मजदूर जोर से चिल्लाया और झट से उसने दरवाजा बंद कर लिया। क्या हुआ? वो अंदर पिशाच। कुछ भी, रुको मैं देखता हूँ। रमन ने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। अरे वहम होगा तुम्हारा, जाओ अंदर और शाम से पहले काम खत्म करो। मजदूर डरते संभलते अंदर चले गए। बाहर कुछ मजदूर घास काट रहे थे, श्वेता उनको बारीकी से देख रही थी। एक मजदूर घास में बैठा अपनी धुन में घास साफ कर रहा था कि अचानक उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। उसने सामने देखा तो सामने पिशाच बैठा था। बचाओ, बचाओ! पिशाच ने उसका हाथ पकड़कर हथियार से उसी के हाथों पर काफी गहरे वार किए। मजदूर चिल्लाने लगा। श्वेता भागती हुई उसके पास आई। क्या हुआ? वो भूत। लेकिन सामने कोई नहीं था, उसका हाथ भी बिल्कुल ठीक था। अरे कुछ नहीं, वहम है तुम्हारा, डोंट वरी। मजदूर शर्मिंदा होकर काम करने लगा। उसने काफी सारी घास काटकर पीछे फेंकी। उस कटी हुई घास पर श्वेता की नजर पड़ी तो उसका दिल दहल गया। घास पर काफी सारा खून लगा हुआ था। शाम होने से पहले ही मजदूर काम खत्म करके निकल गए। घर भी पूरी तरह सेट हो चुका था। मेयर हॉल में बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा था और श्वेता रमन के साथ बेडरूम में थी। वो काफी चिंतित थी। कमॉन श्वेता, घास में कोई जानवर बैठा होगा, कट गया होगा, उसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? दूसरा दिन दिवाली का था। मेहर और रमन घर को गेंदे के फूलों की माला से सजा रहे थे। श्वेता अंदर पूजा की तैयारियां कर रही थी। श्वेता ने रमन को आवाज लगाई। रमन, रमन, जरा अंदर आना तो। आवाज सुनकर रमन अंदर चला गया और मेहर वहीं बाहर खड़ा रहा। तभी अचानक एक काफी डरावना पिशाच आंगन में दरवाजे के पास आया। मेहर उसे देखकर इतना डर गया कि उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। पिशाच ने मिहिर की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए घर का दरवाजा बंद कर दिया और भयानक तरीके से हंसते हुए गेंदे के पीले फूलों पर हाथ फेरने लगा। उसके हाथ लगते ही गेंदे के पीले फूल बिल्कुल काले पड़ गए। मिहिर फटी आंखों से ये भयानक नजारा देख रहा था।
तभी झट से दरवाजा खुला और रमन बाहर आया। उसके आते ही पिशाच जैसे गायब ही हो गया और काले फूल फिर से अपने असली रंग में रंग गए। दरवाजा क्यों बंद किया था बेटा? लेकिन मेहर कुछ नहीं बोला, वो सीधे जाकर अपने पापा से लिपट गया। अरे बच्चा, इसमें इतना डरने की क्या बात है? रात हो गई थी, आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। श्वेता बाहर दिए जला रही थी। वो दिया जला तो रही थी लेकिन उसका दिया बार बार बुझ रहा था, मानो कोई फूंक मार रहा हो। अचानक जमीन पर काफी फैली हुई काली परछाई दिखी। श्वेता ने ऊपर नजर घुमाई तो वही डरावना पिशाच खड़े खड़े मुस्कुरा रहा था। श्वेता दिए छोड़कर घर के अंदर भागी और उसने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर रमन मिहिर को समझा रहा था। डोंट वरी बच्चा, तुम्हारा वहम था वो, डोंट वरी, पूजा करेंगे उसके बाद ढेर सारे पटाखे उड़ाएंगे। तभी श्वेता गिरती संभलती वहां आई और आते ही बोली, किसी का कोई वहम नहीं है रमन, यह सच में भूत है। मेरी ही गलती थी जो मैंने यहाँ आने को कहा, हमारी जान को खतरा है रमन, चलो 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 चलते हैं यहाँ से, रमन निकलो यहाँ से। What? Impossible. तभी अचानक कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, खिड़कियां पीटने लगा। श्वेता और मिहिर रमन से लिपट गए। थोड़ी देर बाद दरवाजा और खिड़कियां तोड़कर बहुत से पिशाच अंदर आ गए। श्वेता और मिहिर ने रमन को कस के पकड़ लिया। अब रमन भी काफी डर गया था। क्या चाहते हो तुम, क्यों परेशान कर रहे हो? हम यहाँ दिवाली मनाने आए हैं, प्लीज हमें सुकून से रहने दो। रहना नहीं, यहाँ से निकलना है, वो भी अभी के अभी। हम 10 साल से इस सुनसान मकान में रह रहे हैं, ये मकान अब हमारा है। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। रमन मजबूर था। श्वेता और मेहर भी काफी सदमे में थे। एक पिशाच अंदर जाकर उनका सारा सामान बैग्स में समेट कर ले आया। रमन और श्वेता ने डरते डरते उनसे बैग्स लिए और वो मेहर को लेकर कार में बैठकर दिवाली की उसी रात मुंबई की तरफ निकल पड़े। मुंबई में आकर दूसरे दिन रमन ने कोंकण के एक बिल्डर को कॉल किया और अपना वो भूतिया मकान उसे बेचकर उससे ऑनलाइन ही पैसे ट्रांसफर करवाए और फिर कभी सावंतवाड़ी में कदम ना रखने का फैसला कर लिया।